नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है एमएम दत्तात्रेय और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पवित्र एजुकेशन पॉइंट पर। मैं आपके सामने हिंदी भाषा को लेकर प्रस्तुत हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको संज्ञा को समझाया, अब हम पढ़ेंगे दोस्तों सर्वनाम को। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सर्वनाम, सर्वनाम जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, सर्वधन नाम। सर्व का मतलब होता है सबका और नाम का मतलब नाम, तो इसका जो शाब्दिक अर्थ हो जाता है सर्वनाम का वो क्या हो जाता है, सबका नाम। अब ये सबका नाम है, ये सब क्या है, यहाँ पर जो सब है वो क्या चीज है। अब ये सोचे होंगे कि सर ने बताया कि सबका नाम हो गया सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ, पर ये सब है क्या यहाँ पर। तो जो सर्वनाम शब्द होता है उसकी परिभाषा बनती है कि संज्ञा के शब्दों पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं, नॉर्मल सी परिभाषा है इसकी। तो जो संज्ञा शब्द है वो होते हैं जैसे कि वस्तु का नाम होता है संज्ञा, व्यक्ति का नाम होता है, स्थान का नाम होता है। तो ये जो तीनों जो है इनके स्थान पे जो प्रयुक्त होगा वो सर्वनाम है। ये सभी क्या है, सब जो शब्द आया वो इनके लिए आया, वस्तु के लिए, व्यक्ति के लिए और स्थान के लिए। तो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाता है मित्रों, यहाँ पर सबका नाम। अब सर्वनाम की हम परिभाषा देख लेते हैं, जो हम छोटी क्लासों से ही पढ़ते आते हैं मित्रों, उसको देखते हैं वो क्या है। वो परिभाषा होती है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले वर्णों शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। अब बात करें मित्रों हम यहाँ पर सर्वनाम के प्रकारों की, सर्वनाम के प्रकार कितने हमको प्राप्त होते हैं। पर सर्वनाम के प्रकारों से पहले हम देखेंगे कि हमें सर्वनामों की आवश्यकता क्यों पड़े। कि जैसे मैं कहूं राम विद्यालय जाता है, उसके बाद अगला वाक्य है राम खाना खाता है, फिर मैं कहूं राम सोता है, तो इसमें जो ये राम शब्द बार बार में आ रहा है, बार बार में इसका दोहराहन हो रहा है, पुनरुक्ति हो रही है इसकी, इससे क्या है यहाँ पर हमें वाक्य में थोड़ा जो रस है, वाक्य की जो सहजता है, वाक्य की जो सरलता है, उसमें हमें थोड़ा बाधा उत्पन्न हो रही है। तो राम विद्यालय जाता है, राम खाना खाता है, राम सोता है, तो इससे अच्छा यह रहेगा कि हम बोले राम विद्यालय जाता है, वह खाना खाता है, वह सोता है। तो यहाँ पर जो राम की जो पुनरुक्ति है, जो राम शब्द की जो पुनरुक्ति हो रही है, एक पुनरुक्ति दोष चलता है हमारे वाक्यों में छह प्रकार के दोष होते हैं, उनमें पुनरुक्ति दोष भी आता है। तो यहाँ पर जो पुनरुक्ति दोष है उससे बचने के लिए यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया है, सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। वाक्य की सहजता बनाने के लिए भी सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, सहजता और सरलता के लिए। तो अगर आपसे कोई पूछे कि वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो ये दो कारण हैं जिनके लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं सर्वनाम के प्रकारों की, कि सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। तो अगर मित्रों प्रकारों की बात करें तो यहाँ पर हमें सर्वनाम के छह प्रकार देखने को मिलते हैं। जो प्रकार है पहला प्रकार होता है मित्रों पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है मित्रों निश्चयवाचक, तीसरा होता है अनिश्चयवाचक, चौथा होता है मित्र संबंधवाचक, पांचवा प्रश्नवाचक और अंत में आता है निजवाचक। ये सर्वनामों के प्रकार हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं, पुरुष निश्चय अनिश्चय संबंध प्रश्न और निज, ये सर्वनामों के प्रकार हो गए। तो यहाँ पर हम बात करते हैं पहले ही पहले अपने जो पहला प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम की, कि ये क्या है और कैसे। तो देखिए मित्रों पहले बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम की।
पुरुषवाचक सर्वनाम। अब यहाँ पर पहले तो मैं आपको बता दूं कि पुरुष में यह मत समझना आप कि केवल जो पुल्लिंग है, पुल्लिंग होते हैं वही पुरुष आएंगे, स्त्री और जो पुल्लिंग है दोनों के लिए पुरुष शब्द का प्रयोग किया गया है। और जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है उसकी परिभाषा बनती है कि वे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए तथा जिसके बारे में बात की जाती हो उनके लिए जो शब्द प्रयोग में लिए जाते हैं वो जो सर्वनाम शब्द प्रयोग में लिए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनामों की अगर मैं बात करूं कितने प्रकार के होते हैं तो इनकी तीन अवस्थाएं बताई गई है, तीन प्रकार बताए गए इनके। एक होता है उत्तम पुरुष, एक होता है मित्रों मध्यम पुरुष और एक होता है अन्य पुरुष। ये तीन पुरुष वाचक सर्वनाम के प्रकार हैं, भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में बात करें तो ये आता है हमेशा बोलने वाले के लिए, जो वाक्य में कुछ बोलता है उसके लिए क्या आता है मित्रों, उत्तम पुरुष। अगर आप इसे इंग्लिश में समझना चाहें तो ये हो गया फर्स्ट पर्सन, ये हो गया सेकंड पर्सन और ये हो गया थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन में अपने कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं, आई और बी। इंग्लिश की बात करें तो आई और बी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो यहां पर क्या क्या हो जाएंगे, मैं और हम। मैं और हम क्या हो जाएंगे मित्रों, यहां पर उत्तम पुरुष सर्वनाम हो जाएंगे। मैं से मैंने भी बन जाएगा, मुझे भी बन जाएगा, ऐसे ही हमसे हमें बन जाएगा, हमारे लिए बन जाएगा, हमको बन जाएगा, ये ऐसे इनसे अन्य सर्वनामों का भी निर्माण हो जाएगा। मध्यम पुरुष होता है मित्रों सुनने वाले के लिए, जो सुनता है उसके लिए क्या आता है, मध्यम पुरुष। इसमें आ जाएगा आपके तू, तुम, आप, ये सभी किसमें आ जाएंगे, मध्यम पुरुष में आ जाएंगे, जो सुनता है। जैसे कि मैं कहूं तुम विद्यालय जाते हो, तो यहां पर जो तुम है वो किसके लिए आया है, सुनने वाले के लिए आया है, तो ये क्या हो गया, मध्यम पुरुष हो गया। उसके बाद आता है अन्य पुरुष, ये आता है जिसके बारे में बात की जाती हो, जिसके बारे में चर्चा की जाती हो उसके लिए आता है अन्य पुरुष। बात की जा रही हो और वो शब्द है मित्रों आपके जैसे कि वह, यह, वे, वो आदि, ये सभी क्या है मित्रों, अन्य पुरुष हैं। मैं और हम हो गया उत्तम पुरुष, तू, तुम, आप हो गया मध्यम पुरुष और यह, वह, वे, वो क्या हो गया मित्रों, आपके अन्य पुरुष। ये यहाँ पर आपका पुरुषवाचक सर्वनाम समाप्त होता है मित्रों। उसके बाद हम बात करें अपना जो दूसरा प्रकार है मित्रों, वो है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या है मित्रों, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है मित्रों, इसको समझो। निश्चयवाचक से अर्थ लगाया जाता है वे सर्वनाम शब्द जो किसी संज्ञा की निश्चितता होने का भाव प्रकट करते हो, कि ये चीज निश्चित है, उसके निश्चित होने का भाव प्रकट करते हैं वो सर्वनाम शब्द क्या कहलाते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसके अगर जैसे कि मैं बात करूं कि वो कौन कौन से शब्द हैं, तो वही शब्द है मित्रों जो आते हैं अपने अन्य पुरुष में, जैसे कि यह, वह, ये, वो और यह, वह, वे, वो आदि। अब आप कहोगे सर के ये तो पुरुषवाचक सर्वनाम में भी आ गए और यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम में भी आ गए, तो अब हमें पता कैसे चलेगा सर कि ये मतलब निश्चयवाचक सर्वनाम के लिए आए या फिर पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए आए। तो हमेशा मित्रों याद रखना, पुरुषवाचक सर्वनाम में अगर ये शब्द आते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम में ये अगर शब्द आएंगे तो ये हमेशा आएंगे सजीव वस्तु के लिए, सजीव व्यक्ति के लिए।
सजीव प्राणी के लिए आएंगे, जैसे कि मैं कहूं वह मोहन है, वह मोहन है, तो यहां पर जो वह आया है वो कैसा है मित्रों, ये है पुरुषवाचक संज्ञा, या वह विद्यालय जाता है, वह विद्यालय जाता है। तो मित्रों वह जो है वो सजीव है, ठीक है, वह विद्यालय जाता है, वो क्रिया कर रहा है, तो वो क्या हो गया, पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, अन्य पुरुष हो गया मित्रों। पर अगर कोई वस्तु के लिए आए तो वहां पर हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि मैं कहूं यह एक पुस्तक है, यह एक पुस्तक है, तो मित्रों ये क्या हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। अगर सजीव के लिए आए तो पुरुषवाचक, वह एक लड़का है, वह विद्यालय जाता है, ठीक है, ये हो गया आपका पुरुषवाचक। और कोई निर्जीव के लिए आए तो वो हो गया निश्चयवाचक। अब इसमें क्या चीज, एक चीज और है जो हमें याद रखनी है मित्रों, वो है कि पास वाली जो वस्तु होती है, पास वाली वस्तु के लिए तो आएगा मित्रों यह और ये, यह एकवचन के लिए और ये बहुवचन के लिए। और दूर वाली जो वस्तु है मित्रों, कोई उसके लिए आएगा वह बे हो, ठीक है मित्रों, यह आएगा एकवचन के लिए और ये आएगा बहुवचन के लिए, ठीक है मित्रों। ऐसे है, पास वाली वस्तुओं के लिए ये आएंगे और दूर वाली वस्तुओं के लिए ये आएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं, हमारा जो तीसरा प्रकार आता है मित्रों वो आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। उसके बाद जो हमारा अगला प्रकार आता है वो आता है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो तीसरा प्रकार है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, उसकी हम बात करते हैं कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम आर्थ में होता क्या है। अब बात करते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम की, अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है। निश्चय आप शब्द से ही समझ रहे हैं, ए मतलब नहीं, निश्चय मतलब निश्चय, जिसका कोई निश्चित मतलब निश्चय नहीं हो, जिसका कोई वो निश्चित नहीं हो अपने आप में, वो हो गया आपके अनिश्चयवाचक। जब संज्ञा जो होती है वो सर्वनाम के स्थान, संज्ञा के स्थान पर जब सर्वनाम प्रयुक्त हो और वो अनिश्चित हो, उसका कोई निश्चय नहीं हो, तो वहां पर कौन सा सर्वनाम हो जाएगा आपका, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसके लिए दो शब्द अपने यूज में लिखते हैं मित्रों, एक तो होता है कोई और एक होता है कुछ, कोई एक तो होता है कोई और एक होता है कुछ। जो कोई उपयोग में लिया जाता है वो लिया जाता है मित्रों प्राणीवाचक के लिए, और कुछ ही यूज में लिया जाता है मित्रों वस्तु के लिए। कोई जो उपयोग में लिया जाता है वो प्राणीवाचक के लिए, और कुछ उपयोग में लिया जाता है वस्तु के लिए। जैसे कि मैं कहूं, जैसे कि आपके घर पर कोई आया है, जैसे कि आपके घर पर किसी ने डोर बजाई, अब आपको कोई पता नहीं है, वो रैंडम पर्सन कोई भी हो सकता है, अननोन पर्सन कोई भी हो सकता है, तो आप क्या कहोगे कि अरे जरा दरवाजे पर जाओ, कोई आया है, तो वो क्या हो गया मित्रों, वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। तो वो कैसे यूज में लिया जाएगा, कोई आया है, तो यहां पर ये क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। प्लस में प्राणीवाचक है, उसके लिए क्या यूज में लिया गया, कोई यूज में लिया गया। जैसे कि मैं कहूं कुछ पुस्तकें खरीद लेते हैं या खरीद लो, पुस्तकें वस्तु शब्द है, एक वस्तुवाचक शब्द है, तो उसके लिए क्या आ गया, कुछ आ गया, ये क्या हो गया मित्रों, यहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। उसके बाद हमारा जो अगला प्रकार आता है मित्रों वो आता है संबंधवाचक। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आए होंगे तीनों प्रकार, पहले मैंने आपको पुरुषवाचक समझाया, उसके बाद निश्चयवाचक और उसके बाद अनिश्चयवाचक। अब हम बात करते हैं मित्रों सर्वनाम के चौथे प्रकार की, जो कि है संबंधवाचक सर्वनाम।
संबंधवाचक की बात करें मित्रों हम, कि संबंधवाचक क्या होता है, मित्रों संबंधवाचक सर्वनाम होता है यह दो उपवाक्यों के बीच में, एक होता है वाक्य और एक होता है उपवाक्य। ये जो संबंधवाचक होता है ये दो उपवाक्यों के बीच में संबंध स्थापित करने का कार्य करता है। जैसे कि मैं कहूँ जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो खोएगा वो सोए, जो सोएगा वो खोएगा। तो ये मित्रों ये क्या हो गया, संबंध स्थापित कर रहा है। और जहां पर दो उपवाक्यों के बीच में संबंध स्थापित किया जाता है वो कौन सा सर्वनाम हो जाता है मित्रों, हमारा संबंधवाचक सर्वनाम हो जाता है। जैसे कि मैं बात कहूँ, इसके उदाहरण देखते हैं कुछ, जैसे कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसे मैं कहूं जो बोगे वो काटोगे, जैसे मैं कहूं जहां चाहा वहां रहा, जैसे मैं कहूं मित्रों जैसी करनी वैसी भरनी, एक मैंने बताया था जो सोएगा वो खोएगा, तो मित्रों इन सभी में क्या हो गया, इन दो पैक्यों के बीच में देखो मित्रों, यहां पर इन शब्दों के द्वारा जिनको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, इन सभी शब्दों के द्वारा मित्रों संबंध स्थापित किया जा रहा है। लाठी का भैंस से, बोएगा काटे बोना का काटने से, चाह का रहा से, करनी का भरनी से और सोना का खोना से, इन सभी का मित्रों आपस में क्या स्थापित किया जा रहा है, संबंध स्थापित किया जा रहा है। तो ये हो गया आपका संबंधवाचक विशेष, संबंधवाचक सर्वनाम हो गया मित्रों। अगर आप इसके शब्द देखना चाहो तो इसके ऐसे ये जो वो जिसका उसका जितना उतना, ये सभी क्या है मित्रों, इसके शब्द हैं, इनसे भी आप संबंधवाचक सर्वनाम का पता लगा सकते हो। तो ये हमारा चौथा प्रकार हो गया संबंधवाचक सर्वनाम। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो मित्रों। उसके बाद हमारे दो प्रकार और बच जाते हैं, एक है अपना निजवाचक और एक है अपना प्रश्नवाचक, तो उनकी बात करेंगे हम मित्रों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला जो हमारा प्रकार आता है मित्रों वो आता है प्रश्नवाचक का। तो प्रश्नवाचक की हम बात करते हैं मित्रों, मुझे उम्मीद है आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, बात करते हैं हम अपने अगले प्रकार की प्रश्नवाचक सर्वनाम की। प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द से ही पता चल रहा है मित्रों क्या किया जाएगा, प्रश्न किया जाएगा। वे सर्वनाम शब्द जिनसे प्रश्न होने की, प्रश्न होना दिखता है या प्रश्न होने का आवास होता है वो क्या होते हैं मित्रों, प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे कि मैं कहूं वह कौन है, वह कौन है, राम क्यों रोता है, क्या हरि विद्यालय जाता है, तो सभी जो ये अपने वाक्यांश में क्या किया जा रहा है मित्रों, प्रश्न किया जा रहा है। यहां पर क्या से, यहां पर क्यों से, यहां पर कौन से, तो ये सभी मित्रों क्या है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हमारे लिए प्रस्तुत हो जाते हैं। जो भी अपने जो इंग्लिश में WH वर्ड कहते हैं इनको, प्रश्नवाचक जो प्रश्नवाचक जो है ये क्या कौन कहां कब कैसे, ये सभी किस में आ जाएंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम में आ जाएंगे। उसके बाद जो अपना अगला प्रकार रह जाता है मित्रों वो रह जाता है निजवाचक।
क्या रह जाता है मित्रों? निजवाचक। अपना जो अंतिम रह जाता है मित्रों वो रह जाता है निजवाचक। निजवाचक का मतलब होता है मित्रों जन सर्वनाम शब्दों से निजता का, स्वत्व का, अपने अधिकार का, स्वामित्व का बोध की कराया जाता है। वो कौन से सर्वनाम शब्द होते हैं? निजवाचक सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। जैसे कि मैं कहूं मैं अपने आप पढ़ लूंगा, अपने आप पढ़ लूंगा, मैं अपना गृह कार्य स्वयं कर लूंगा, ठीक है। तो ये जो सभी शब्द हैं मित्रों ये किसके हो गए? निजवाचक सर्वनाम के हो गए। अपने आप हो गया, स्वयं हो गया, स्वयं हो गया, ये सभी मित्रों क्या है? निजवाचक सर्वनाम के सूचक शब्द हैं। इनसे किसका पता चलता है कि ये कैसा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम है। पर अब मित्रों कुछ इसके कभी क्या हम निजवाचक में और जो पुरुषवाचक है उसमें हम क्या है कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, तो उसको देखिए। जैसे कि एक मैंने कहा मैं आप ही पढ़ लूंगा और एक मैं कहूं आप पढ़ लोगे, तो यहां पर तो मित्रों जो आप आया है यहां पर आप आया है निजवाचक के तौर पे, के तौर पे निजवाचक के तौर, और जो यहां पर जो आप आया है मित्रों वो किसके लिए आया है? अन्य पुरुष के लिए, जो कि किसका प्रकार है? पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रकार है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि कहां पर हमें निजवाचक का प्रयोग करना है, कहां पर हमने अन्य पुरुष का प्रयोग करना है। जैसे मैं कहूं मैं आप ही पढ़ लूंगा तो यहां पर तो अपना स्वामित्व दिखाया जा रहा है, वो अपना स्वामित्व दर्शा रहा है कि मैं आप ही पढ़ लूंगा, मतलब अपने आप ही पढ़ लूंगा। और यहां पर आप पढ़ लोगे, यहां पर क्या है पूछा जा रहा है उससे, क्वेश्चन किया जा रहा है कि क्या आप पढ़ लोगे, तो यहाँ पर जो आप शब्द है वो अन्य पुरुष के लिए यूज में लिया जा रहा है मित्रों। एक होता है कि हम कोई जो चर्चित व्यक्ति होता है, आपने कई बार पुस्तकों में पढ़ा भी होगा किसी कवि का, किसी लेखक का, जब हम चरित्र चित्रण पढ़ते हैं तो उसमें आप शब्द का उपयोग किया जाता है कि आपने ये कृतियों का निर्माण किया। तो जो आप शब्द है ना मित्रों वो भी क्या है? अन्य पुरुष सर्वनाम ही है। जैसे मैं कहूं महात्मा गांधी जी का जन्म गुजरात में हुआ, और उसके बाद मैं कहूं आपका जन्म 2 अक्टूबर 1879 को हुआ। तो मित्रों जो यहां पर ये आप शब्द है, आपका जो शब्द है कैसा है? अन्य पुरुष का शब्द है, ये आपको याद रखना है, ठीक है मित्रों। महात्मा गांधी जी का जन्म गुजरात में हुआ, आपका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। तो जो आप शब्द है मित्रों, आपका शब्द ये क्या है मित्रों? अन्य पुरुष सर्वनाम का शब्द है, मतलब कि पुरुषवाचक सर्वनाम का शब्द है मित्रों। एक मैंने आपको पिछली वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था, संज्ञा से संबंधित था वो हमारा क्वेश्चन, वो क्या था मित्रों? मैंने कहा था आपसे कि अगर कोई कंपनी हो जैसे कि कोई भी हो, मोटरसाइकिल की कंपनी हो, कोई कार की कंपनी हो, कोई भी कंपनी हो, और एक होते हैं उसके मॉडल्स। जैसे कि मैं बात करूं
हीरो कंपनी की, तो हीरो कंपनी में मॉडल्स चलते हैं जैसे कि स्प्लेंडर है, सीडी डीलक्स है, पैशन है, कोई भी होती है मित्र। तो मैंने आपसे पूछा था कि कंपनी में कौन सी संज्ञा होती है और मॉडल्स में कौन सी संज्ञा होती है, तो मैं आपको बता दूं कि कंपनी में संज्ञा होती है व्यक्तिवाचक मित्रों, और मॉडल्स में संज्ञा होती है मित्रों जातिवाचक। ये आपके पिछली वीडियो के क्वेश्चन का हल है मित्रों। और इसके साथ ही आज हमारे सर्वनाम शब्द पूरे हो गए मित्रों। अगली वीडियो में हम आपको विशेषणों को समझाएंगे। मुझे उम्मीद है मित्रों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसको शेयर कीजिए। आपके लाइक करने से मित्रों आपका कुछ मतलब इतना वो नहीं होगा, लॉस नहीं होगा, आपको केवल एक बटन दबाना है मित्रों। पर आपके लाइक करने से हमको काफी मोटिवेशन मिलता है मित्रों। आप जितना हमारी वीडियो को लाइक करते हो उससे क्या हमें आगे के लिए कार्य करने के लिए हमें क्या है दोस्तों एनर्जी आती है, हम और ज्यादा मोटिवेट होते हैं मित्रों। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मित्रों। अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।